मॉर्निंग बच्चों, आज हम व्याकरण में पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। आइए पढ़ने से पहले कुछ समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आपके सामने चित्र है और उसका नाम बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनि निकलती है, जैसे कि न और ल। न और ल मिलाकर नल बनता है। नल बोलते ही हमारे दिमाग में एक चित्र उभर जाता है नल का। एक अन्य उदाहरण और देख लीजिए। ठीक वैसे ही इस चित्र में भी हम घ और र को मिलाकर घर बनाते हैं और हमारे सामने एक घर का चित्र हमारे दिमाग में उभर जाता है। तो बच्चों, इन ध्वनियों को मिलाकर ही शब्द बनते हैं और भाषा में प्रयोग की जाने वाली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। इस ध्वनि के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो ये अब सबसे छोटी इकाई हो गई, अब ये नहीं टूट सकता, तो यही कहलाता है वर्ण। वर्ण वह छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यहाँ तो आपने शब्द देखे बिना मात्राओं वाले, लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण भी देखिए जिनमें मात्राएं लगी रहती हैं। आइए देखते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, चित्र में आपको दिए दिखाई दे रहे हैं। ये शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है दिए। अब यहाँ पे देखिए, हम इसको तोड़ते हैं। द, द से हमने क्योंकि मात्रा अलग कर दी है, उसकी ई को अलग कर दिया है, तो द के नीचे हलंत लग जाता है। जब उसमें कोई मात्रा नहीं मिली हुई होती है तो वहां पे हलंत लग जाता है। ये अपने मात्रा से अलग हो गया। प्लस य, य में भी एकार है, उसको भी हमने अलग कर दिया। तो अब जो है ये सबसे छोटी इकाई बन चुकी है और अब हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस उदाहरण में भी आप देख लीजिए, फूल। फूल को हमने जब छोटा करके हम इसको और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? फ हलंत प्लस उ प्लस ल, ल के नीचे हलंत प्लस अ। ठीक है, तो यहाँ हमने क्योंकि मात्रा निकल गई है उ की, तो यहाँ पर हो गया फू। और उसी प्रकार से ल में से अ निकल गया। मैं हमको पता ही है बच्चों कि जहाँ कोई भी मात्रा नहीं दिखाई देती है वहाँ उसमें अ जुड़ा ही रहता है, है ना? तो हम इसको ऐसे तोड़ेंगे ल प्लस अ में। अब हम देख रहे हैं कि अब हम इसको और नहीं तोड़ सकते, अब हम इसको और नहीं तोड़ सकते। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई और इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। तो हम वर्ण की क्या परिभाषा दे सकते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो बच्चों हमने समझा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की परिभाषा हमने देखी। अब हम देख लेते हैं कि वर्ण होते कितने प्रकार के हैं। बच्चों वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन बच्चों। और जब इन्हीं वर्णों को हम क्रम के अनुसार व्यवस्थित करके लिखते हैं तो उस समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का क्रमानुसार मतलब एक निश्चित क्रम में और व्यवस्थित रूप से जब हम उसको लिखते हैं, उसका समूह होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। स्वर, हिंदी की वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। जो हमने पढ़ा कि वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, तो हम स्वर के बारे में आपको बता रहे हैं कि हिंदी भाषा में वर्णमाला जो है, हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें कितने स्वर आते हैं? 11 स्वर आते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से। अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। आइए बच्चों अब हम देख लेते हैं व्यंजन। वर्ण का दूसरा प्रकार व्यंजन। तो बच्चों हिंदी की वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। और छ, त्र, ज्ञ और श्र ये संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, तथा ड और ढ अन्य ध्वनियों में आते हैं। तो देखिए हमारी वर्णमाला में जो व्यंजनों का है, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स,
स ह छ त्र ज्ञ श्र ड और ध। बच्चों अन्य वर्ण में अंग अ और अंग मतलब चंद्र बिंदु वाला ये आ जाते हैं। आगत ध्वनियां आ ज और फ ये हमारी भाषा में नहीं थे, हमने इसे अपनी सुविधा के लिए अन्य भाषाओं से ले लिया है। बच्चों क से लेकर व तक, सॉरी बच्चों क से लेकर ह तक ये 33 व्यंजन जो हैं आते हैं आपकी श्रेणी में। दूसरे छ त्र ज्ञ और श्र आपके संयुक्त व्यंजन हैं और ड और ढ अन्य आगत ध्वनियां हैं, है ना। तो आपके जो हिंदी वर्णमाला में है वो कितने व्यंजन हो गए, कुल 33 व्यंजन। कहाँ से लेकर कहाँ तक, क से लेकर ह तक। छ त्र ज्ञ श्र आपके संयुक्त व्यंजन और ड और ढ अन्य ध्वनियां हैं। बच्चों आइए अब हम समझ लेते हैं स्वर किसे कहते हैं। आइए बच्चों स्वर को समझे। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इन्हें बोलते समय हवा मुख से बिना किसी अवरोध के बाहर आ जाती है, अवरोध मतलब रुकावट के। कहने का तात्पर्य यह है, मतलब यह है कि स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। उनकी खूबी यह है कि जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारी हवा जो है वो मुख से बिना किसी अवरोध मतलब बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाती है। चाहे तो आप बोल के भी देख लीजिए। अब हम देख लेते हैं स्वर के भेद। स्वर होते कितने प्रकार के होते हैं, स्वर तीन प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। बच्चों स्वर के तीन भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। इस स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ह्रस्व का अर्थ ही होता है छोटा। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलने में मतलब ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में चार होते हैं, अ ई उ और री। स्वर का दूसरा भेद है दीर्घ स्वर। आइए इसको देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मतलब बोलने में ह्रस्व स्वरों की तुलना में दोगुना समय लगता है, दोगुना समय लगता है उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है और दीर्घ स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। ये भी संख्या में सात हैं। आइए इसको देख लीजिए, आ ई उ ए ऐ ओ और अव। ये सात स्वर हैं जो कि दीर्घ स्वर है। अब है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में तिगुना समय लगता है वो प्लुत स्वर होते हैं। ऐसे स्वर जिसको बोलने में उनके उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से तिगुना तीन गुना समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। किसी स्वर के आगे अवग्रह इसका निशान जब लगा देते हैं तो वह प्लुत स्वर बन जाता है। इसके लिए कोई विशेष स्वर नहीं है, जैसे राम। प्लुत स्वर का सबसे अच्छा उदाहरण है ओम। आपने देखा कि जब हम ओम बोलते हैं तो कितना इसके स्वर को खींचते हैं, ये प्लुत स्वर है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, स्वर किसे कहते हैं और स्वर के कितने भेद होते हैं। आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही, बाकी का बचा हुआ भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।